फरीदाबाद के गांव सागरपुर की रहने वाली जिया रावत ने विदेशी सरजमी पर स्वर्ण के साथ तिरंगा फहराकर देश का नाम गौरवान्वित किया है। 3 जून को कजाकिस्तान में संपन्न हुई अपेक्स फ्यूचर सीरीज 2023 महिला एकल का बैडमिंटन खिताब जीतकर जिया रावत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वापस भारत में पहुंचने पर जिया रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और एक विशाल विजयी जुलूस भी निकाला गया। गांव सागरपुर में पहुंचने पर भव्य स्वागत से अभिभूत जिया रावत उन 20 सदस्य दल की इकलौती प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन खिलाड़ी जिया रावत का सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के नाम रोशन करने का। जिस तरीके से जिया रावत ने भारत देश का नाम रोशन किया, क्या कुछ कहना चाहो, किस तरह से खुशी है जाए? जिस तरह से आज बेटी ने नाम रोशन किया है, हमें इतनी खुशी है कि शायद हम उसकी कहते हैं ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और हमें, हमारे परिवार को और पूरी गांव बस्ती को बहुत ही बेहद खुशी है इस पल की। बेटी का नाम रोशन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा खुशी का क्षण है हम सभी देशवासियों के लिए, हम सभी प्रदेशवासियों के लिए, हम समस्त ग्रामवासियों के लिए। बेटी की जो 10 साल से एक सफ़र शुरू किया है, आज उसके मुकाम पे हम पहुंच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी बेटी इसी तरह से देश का नाम, प्रदेश का नाम, गांव का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। यही हमारी शुभकामना है बेटी के लिए और यही हमारा प्रयत्न रहेगा कि बेटी आगे आने वाले और अच्छे टूर्नामेंट्स में अच्छे से तैयारी करके अच्छे रिजल्ट्स देश के लिए लाए। क्या नाम है? जिया रावत। जिया, कौन सा गेम में आप जीत के आए? मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था BWF से ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ गए थे? कजाकिस्तान फ्यूचर सीरीज में गए थे हम लोग, कजाकिस्तान में शिमकेंट नाम की जगह पे। कब गए थे ये? हम लोग अभी पिछले ही महीने 30 तारीख को गए थे, 3 तारीख तक आयोजित हुआ था। कितने लोगों की टीम आपकी गई थी? टोटल 22 लोग गए थे हमारे इंडिया से और एक गोल्ड आया, 2 सिल्वर आए और 1 ब्रोंज था। कब से तैयारी आप कर रहे थे? मैं पिछले 10 ईयर्स से ट्रेन कर रही हूँ और अभी ये मेरा अभी रिजल्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आपका स्वागत किया पूरे गांव वालों ने? सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा मनोबल बढ़ाया है सबकी तरफ से। इतना सपोर्ट था कि मैं बहुत खुश हूँ और आगे के लिए बहुत इंस्पायर हुई हूँ करने के लिए। तो क्या सपना आपका है? मेरा ओलंपिक में गोल्ड लाने का सपना है, आई होप मैं उसे एक दिन पूरा कर पाऊँ। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।